कल मैंने एक वीडियो रिलीज किया था हाउ टू अट्रैक्ट मनी, आज उसी का सेकंड पार्ट में आपको बताती हूँ हाउ टू अट्रैक्ट मनी। और आज के वीडियो में सिर्फ एक सिंगल कॉन्सेप्ट आपको देने वाली हूँ एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक, जादू की तरह काम करता है ये, मिरेकल्स क्रिएट करता है। और ये मेरा एक्सपीरियंस तो है ही, बट जो सबसे बड़े ऑथर है द हैप्पी मनी के ऑथर कैन होंडा, उनके एक इंटरव्यू में और अभी उनकी हैप्पी मनी के अलावा एक और बुक रिलीज होने वाली है उनके इंटरव्यू में मैंने सुना एंड आई स्टार्ट डूइंग दिस। मेरे हस्बैंड भी अभी परसों से उसको कर रहे हैं एंड इसके रिजल्ट अमेजिंग है। यस माय डियर फ्रेंड, अमेजिंग है। विद इन मिनट्स आपको अच्छा महसूस होने लगता है, चीजें बदलने लगती है, आपके फेवर में होने लगती है। तो आज के वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट के बारे में या इस टेक्निक के बारे में बात करेंगे। बाय द वे आई एम डॉक्टर वंदना सराफ, गवर्नमेंट डॉक्टर हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, 15 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और अभी नाउ आई बिकेम अ मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वेल्थ क्रिएटर कोच। और मैं आपको वो सारे टिप्स प्रोवाइड करती हूँ जो आपके माइंडसेट को पॉजिटिव करते हैं, आपको वेल्दी बनाते हैं, मनी को अट्रैक्ट करते हैं एंड आपके जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और सब्सक्राइब दिस चैनल क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की वीडियो आपको देती रहूंगी जो आपके जीवन में आपको अपग्रेड करते रहेंगे। यस माय डियर फ्रेंड, तो हम शुरू करते हैं कि कैन होंडा की टेक्निक, ये कौन सी टेक्निक है। कैन होंडा एक्चुअली जापानीज ऑथर है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैन होंडा डालोगे, हैप्पी मनी डालोगे तो बहुत सारे वीडियो उनके पॉपअप हो जाएंगे एंड अमेजिंग पर्सनालिटी है। उन्होंने उनके जो मेंटोर या उनके जो गुरु थे बाहे टकेटा, ये जापान के जैसे वॉरेन बफेट है ना, वे अमेरिका के वॉरेन बफेट, वैसे ही जापान के वो वॉरेन बफेट कहलाए जाते हैं। उनका ये मंत्र है, उन्होंने जब उनसे पूछा कि कैसे रिच बना जाता है, कैसे फाइनेंशियल फ्री बना जाता है, तब उन्होंने एक सिक्के को हाथ में लेके इस तरीके से, सिक्का तो मेरे पास है नहीं अभी, नोट इसमें रखा है पर मैं नोट जरूर दिखाऊंगी क्योंकि व्हेन यू सी समथिंग ना यू फील समथिंग कि नहीं हाँ कुछ चीजें हैं जिनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी एनर्जी को महसूस करना चाहिए। दिन में एक दो बार तो करना ही चाहिए तभी रिलेशन अच्छे बनते हैं मनी को लेकर। तो उन्होंने सिक्के को लिया, मैं तो नोट ले रही हूँ, कोई बात नहीं आप जो चाहो वो ले सकते हो। तो इस तरीके से आप पैसे को हाथ में लेना है और उन्होंने बताया अरिगाटो मनी, थैंक यू मनी, बस यही एक फॉर्मूला है। तो अभी वो टेक्निक बाकी है, ये तो फॉर्मूला है। फिर आप उनके जो गुरु थे वाई टकेटा, उन्होंने ये प्रोसेस बताई और बोला कि कहीं ना कहीं मैं थैंक यू महसूस करता हूँ। वो टैक्स देने में भी प्राउड फील करते थे और उनकी ही जो भी उनको लेसन मिले उसकी वजह से कैन होंडा, देखो उनकी मिलियंस ऑफ कॉपी सेल हुई बहुत यंग एज में, मेरे ख्याल से 40 यंग तो नहीं बट हाँ एक अच्छी खासी जल्दी अच्छी खासी उम्र में और जल्दी ही वो फाइनेंशियल फ्री हुए। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो एक नई बुक रिलीज करने वाले हैं और उस बुक में वो कुछ फॉर्मूले देने वाले हैं। उसमें से एक उन्होंने ये भी बताया कि मनी को अट्रैक्ट करने का एक सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि उसके प्रति धन्यवाद की फीलिंग को फील करना। और फीलिंग कैसे आती है, वर्ड से जब हम बोलते हैं। तो अरिगाटो मनी ये बहुत बड़ा एक फॉर्मूला, अरिगाटो का मतलब होता है थैंक यू। तो अगर आप स्पेसिफिकली मनी के लिए नहीं भी बोल रहे हो तो पूरे दिन में आपको थैंक यू बोलना है। अब आपको मैं वो फॉर्मूला बताती हूँ कि करना क्या है। आपको पूरे दिन सुबह से शाम तक कोशिश ये करनी है कि 3000 बार थैंक यू बोले हो आप, ऐसा आपको प्रैक्टिस करना है या दिन में 3000 बार ऐसा बोलना है। लगातार नहीं बोलना है, कभी जब आपको याद आ गया तब बोलो, पर सुबह से शाम तक लगभग इतनी बार आप बोल सको तो आपके जीवन में जादू होने लगते हैं, मिरेकल्स होने लगते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, आप 5 बार बोल के देखो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, देखो कितनी अच्छी फीलिंग आ गई। और जब हम इसको हाथ में लेके बोलेंगे तो और भी अच्छी फीलिंग आती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और नहीं तो बोलोगे हर किसी चीज के लिए भी, आप सिर्फ थैंक यू बस बोलो। आप कहीं गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, थैंक यू बोलना शुरू कर दो। आप कहीं थोड़ी देर के लिए भी बैठे हो, आप थैंक यू बोलना शुरू कर दो।
आप पूरे टाइम अगर थैंक यू बोलोगे तो आपके जीवन में सच में मिरेकल्स होते हैं, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, फीलिंग है, वो अबंडेंस के वाइब्रेशन है। और हम जिस चीज में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी में, वो चीजें हमारे पास आनी शुरू हो जाती हैं। आई होप ये ट्रिक जरूर काम करेगी। कौन सी ट्रिक? हर दिन 3000 बार आपको थैंक यू बोलना विथ फीलिंग। देखो सारी चीजें बिलीव्स पे ही काम करती हैं। अगर आपको बिलीव नहीं है, फेथ नहीं, विश्वास नहीं, तो क्यों बोलना, क्यों कोई चीज काम करेगी। काम आपको करना है, फोकस देना है। ऐसा नहीं कि आपके रूटीन के जो काम है, मैं खुद काम करती हूँ, ओपीडी भी चलाती हूँ, कॉलेज भी जाती हूँ, बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, मेरे आई एम अ मदर ऑफ टू डॉटर, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी भी मैं देखो यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ क्योंकि नीचे बहुत सारे और काम चल रहे हैं, मेहमान हैं बहुत सारे, पर आई एम डूइंग माय वर्क एंड आई फील थैंक यू फॉर दिस। तो जब आप ऐसा करोगे तो दुनिया की कोई भी चीज आपके पास आने से नहीं रोक सकती है, उसको आना ही है। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है, हालांकि बहुत छोटा होगा, बट इसी टॉपिक पे होने वाला और आपके जीवन को बदलने वाला है। तो ये प्रैक्टिस तो करना ही है, पूरे दिन में कोशिश करो 3000 बार थैंक यू बोलो, और फिर देखो कैसे चमत्कार होते हैं। और कमेंट बॉक्स में लिखो 3000 टाइम थैंक यू एंड आई विल मैनिफेस्ट मिरेकल्स, या मिरेकल्स इज हैपनिंग इन माय लाइफ। और मैं उन सब कमेंट्स को देखूंगी, क्योंकि मैं 1 घंटे बाद तुरंत देखती हूँ जब भी अपलोड करती हूँ, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखती हूँ। और अब हम मिलते हैं कल के वीडियो में, जो कि बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। तब तक के लिए गुड बाय।